सादा जीवन और उच्च विचार के प्रतीक पुरुष माननीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, अध्यात्म साधना के सुमेरु, सेवा यज्ञ में जिस तरह आहुति दे रहे हैं, जिसका हमने अभी सद्भावना वृद्धाश्रम में जो रूप देखा, मुझे कल्पना नहीं थी। हालांकि स्वामी जी से जुड़े हुए तो हम वर्षों से हैं, आप हमारी हिंदू आचार्य सभा के संयोजक भी हैं, जनरल सेक्रेटरी भी हैं, पर सचमुच में मैं एक पंक्ति में निवेदन करना चाहता हूं। रामायण कहती है धर्म क्या है, कहा गया कि पर हित से बड़ा कोई धर्म नहीं है और पर पीड़ा से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। पूज्य स्वामी परमात्मानंद जी महाराज, आपके मार्गदर्शन में जो वृद्धों की सेवा हो रही है, अनाथों की जिनका कोई नहीं है, उनका आप जिस तरह से सहारा बने हैं, हमने देखा ऐसी बच्ची है जो बोल नहीं पा रही है, और किस तरह से सेवा, मैं समझता हूं आप अपने घर में अपने बच्चों का जैसा लालन पालन करते हैं, उस तरह की अद्भुत सेवा हो रही है। इसलिए मैं आपका जैन धर्म की ओर से, अहिंसा विश्व भारती संस्था की ओर से, विश्व शांति केंद्र की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और माननीय राज्यपाल जी, आपको तो जब भी सुनते हैं, सचमुच में मैंने वर्षों पहले एक कार्यक्रम कलकत्ता में साथ हुआ था, बहुत वर्षों पहले, लेकिन जब जब भी सुनते हैं, मैं ये मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, हमारी भी बैटरी चार्ज हो जाती है। संतुलित ढंग से शांत, जैसे कोई कलकल करता हुआ गंगा का पानी बह रहा, और इतना सारभूत होता है। ये गुजरात का सौभाग्य है कि आप जैसा माननीय राज्यपाल गुजरात की धरती पर मिला है। आपने सुबह सबका स्मरण किया, गुजरात के महापुरुषों का भी किया, गुजरात के राजनीति के क्षेत्र के लोगों का भी किया। मैं ये कहना चाहता हूं कि गुजरात को जैसा राज्यपाल मिला है, चूंकि गुजरात मेरी कर्म भूमि रही है, मेरा जन्मभूमि राजस्थान है, वो पड़ोसी है, लेकिन गुजरात मैं हूँ। अही 3.5 वर्ष सुधी बिजनेस में हतो, अने एटला माटे हूँ ये कहवा मांगू छू कि खरेखर गुजरात आप जेवा गवर्नर थी अमारो गुजरात भाग्यशाली थी।